नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम मिसेलिनियस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है। देखिए, दूध का सफेद रंग होता है कैसीन के कारण, ठीक है, और दूध में जो हल्का पीला रंग होता है वो होता है आपका बीटा कैरोटीन के कारण, ठीक है, सही है। और तिलहन में जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीनॉइड के कारण, ठीक, तीनों याद रखें, फैक्चुअल है डी आंसर। निम्नलिखित में से का मिलान करें, देखिए इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होगा, जामुन में आइसोसाइट्रिक अम्ल होगा, केले में मैलिक एसिड होता है और गेहूं में ग्लूटेनिक एसिड होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, फूल गोभी में लगने वाला जो ब्राउनिंग रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से, ठीक है। और मटर में लगने वाला जो आपका मार्श रोग है वो होता है मैंगनीज की कमी से, और आम में लगने वाला लिटिल लीफ है जो, ये कॉपर की कमी से नहीं होता है, ये होता है जिंक की कमी से, ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गेहूं में लगने वाला है, तो देखिए अगेती अंगमारी यानी अर्ली ब्लिट ऑफ पोटैटो, ठीक है, आलू वाला है, पछेती अंगमारी लेट ब्लिट ऑफ पोटैटो, ये भी आलू वाला है, और भूरा विग्लर मतलब ब्राउन रॉट ऑफ, ये भी पोटैटो, ठीक है, सारे ही पोटैटो से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो ये आपका अर्ली ब्लिट और लेट ब्लिट है, ये है जो ये कवक के माध्यम से होते हैं, कवक के कारण होते हैं, और जो ये ब्राउन रॉट है ना, विल्ट है जो, ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ द अबव। अगला देखिए, कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बादशाह, ये किसकी प्रजातियां, गेहूं की, कपास की, आलू की या मक्का की, तो ये है आपके आलू की प्रजातियां, सी आंसर। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, IMF, ठीक है, तो IMF की स्थापना 1990 में हुई, तो गलत हो जाएगा क्योंकि IMF की स्थापना हुई है 1945 में, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो Washington DC में है, और इसकी जो वर्तमान में डायरेक्टर है वो कौन है, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक, और आपका जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो है गीता गोपीनाथ, ठीक है, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका 1 गलत 2 and 3 सही यानी बी आंसर। अगला देखिए, मैच करना है आपको मुख्यालय है और ये ऑर्गेनाइजेशन, तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो, वो उसका मुख्यालय है आपका वियना में, ADB आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मनीला फिलीपींस में है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में, और शार्क का आपका काठमांडू में, ठीक है, तो ये सभी सही है ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नाटो में सदस्य देश की संख्या कितनी है, 30 सदस्य हैं नाटो के, ठीक है, और नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य कौन सा है, नॉर्थ मैसिडोनिया, ये कब हुआ था, मार्च 2020 में शामिल हुआ, ठीक है, और उसके बाद आर्कटिक काउंसिल है जो, उसमें 8 सदस्य, आर्कटिक काउंसिल के 8 तो याद होने चाहिए क्योंकि 30 तो नहीं याद रख सकते, लेकिन 8 याद रखने हैं आपको, कि इसमें आपके हैं कैनेडा, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद आइसलैंड, ठीक है, उसके बाद नॉर्वे और रशिया, ठीक है, तो आंसर हो जाएंगे इसका, तीनों सही हैं डी आंसर। अगला देखिए, मिलान करना है, ये कुछ संगठन है और ये इनके जो है सदस्य संख्या है, कितने सदस्य हैं, ठीक है, GCC जो आपका गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल है उसमें है आपके 6 सदस्य, UNDP के 170 सदस्य, ICC के 123 सदस्य और ADB के 5 सदस्य हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है, और इसकी जो उद्देश्य है वो है भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना, और इसका जो ये एक संविधिक निकाय है, ठीक है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, और राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय है जो वो आपका नई दिल्ली में है, और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा
शर्मा, ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मेलन है? केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है भावनगर में, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कोच्ची में है, ठीक है। और उसके बाद मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान आपका एर्नाकुलम में, ये भी सही, तो 1 और 3 सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र है जो बरेली से संबंधित है, मतलब कौन सा सेंटर है जो बरेली से संबंधित है? डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर जरी जरदोजी, ये आपका बरेली में है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर वुड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये भी बरेली में है। और राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र है जो, ये आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका बरेली में नहीं है, ये आपका चुनार मिर्जापुर में, ठीक है, या फिर खुर्जा बुलंदशहर में, ठीक है, खुर्जा बुलंदशहर। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश से संबंधित संस्थानों में से कौन सा सही सम्मिलित है? चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ है? हरदोई में, मेरठ में है ये, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सोनभद्र में, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये कानपुर में है, ठीक है। और राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है आपका मेरठ में, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये हरदोई में है, ठीक है, तीनों गलत, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? विज्ञान नगरी लखनऊ को कहते हैं, ठीक है, सही है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है जो, ये आपका लखनऊ में है, ये भी सही है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में नहीं है, ये उन्नाव करके एक जगह पड़ती है, बंथरा उन्नाव में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान कर, पॉली फाइबर के लिए बाराबंकी फेमस है, प्लाईवुड के लिए नजीमाबाद फेमस है, इत्र के लिए कन्नौज पता ही है, कालीन के लिए तो सबको ही पता चल गया है, मिर्जापुर फेमस है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र और उनकी अवस्थिति के अनुसार कौन सा सही सम्मिलित है? केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान है जो, ये चेन्नई में नहीं है, यह है कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्य है जो, उनकी अवस्थिति के अनुसार कौन सही सम्मिलित है? नीलापट्टी पक्षी अभ्यारण्य है जो, वो कहाँ है? नल्लूर आंध्र प्रदेश में, ओखला आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में, और बैम्बनाद है जो, वो कोट्टायम केरला में है, ठीक है, बैम्बनाद झील भी है, है ना, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सुपानी कृषि क्या होता है और जीएम फसलें क्या है? देखिए, सुपानी कृषि है कि आपको मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करते हैं, स्टेप फार्मिंग करते हैं ना, एक पहाड़ है जैसे, तो उसमें क्या करें, सीढ़ी नुमा फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको सोपानी कृषि भी कहा जाता है, ठीक, सही है। उसके अलावा जीएम फसल कौन सी? तो पौधे के डीएनए में जो कृत्रिम बदलाव होता है, आर्टिफिशियल चेंजेस हम जो करते हैं, जिससे क्या है कि फसल जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाती है, ठीक है, तो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से केले में लगने वाले प्रमुख रोग हैं? ठीक है, ग्रासी सूट है जो, ये आपका केले का नहीं है, ये आपका गन्ने का है, गन्ने का, ठीक है। पनामा है जो, ये सही है, ये इसमें केले में लगता है। उसके अलावा वाइट बर्ड है जो, वाइट बर्ड भी आपका मक्के में लगने वाला है, मक्के में, ठीक है, मक्का, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कौन से खेल उनकी खिलाड़ी संख्याओं के अनुसार सही सम्मिलित हैं? देखिए, बास्केटबॉल में 7 खिलाड़ी नहीं होते, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 5 नहीं होते, 6 होते हैं, वाटर पोलो में 6 नहीं होते, 7 होते हैं, ठीक है, और कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित ट्रॉफियों में से कौन बैडमिंटन में के साथ संबंधित है? ऊबर कप आपका, थॉमस कप, फेडरेशन कप, इनमें से बैडमिंटन के साथ है जो, ये देखिए, ये आपका वॉलीबॉल के साथ है, ठीक है, ऊबर कप और थॉमस कप है जो, ये आपके बैडमिंटन के साथ, अच्छा, इनमें से एक महिलाओं का है और एक पुरुषों का, ये आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सा महिलाओं का है, कौन सा पुरुष का है, आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कौन से देश अपनी संसद के साथ सही सम्मिलित है? कनाडा पार्लियामेंट सही है, चीन नेशनल असेंबली, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चीन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है पीपल्स असेंबली, ठीक है, पीपल्स असेंबली, ठीक है, और नेशनल असेंबली कहाँ की है? ये है आपकी फ्रांस की और पाकिस्तान की, ठीक है, और इसराइल की है नेसेट, ये भी सही है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, सी आंसर। निम्नलिखित कौन से समाचार पत्र अपने प्रकाशन स्थल के साथ सही सम्मिलित है? डेली न्यूज है जो, वो न्यूयॉर्क का है,
सही है। उसके बाद डेली मिरर है जो वो लंदन का है, और द स्टार है वो कोलंबो का नहीं है, वो है आपका जोहान्सबर्ग का। ठीक है, तो ये तीसरा गलत, पहला दूसरा सही, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर का होता है, सही है। उसके अलावा आपका जो भारतीय मतदाता दिवस है ये आपका 25 जनवरी होता है, ये भी सही है। अच्छा देखिए, कैंसर दिवस है जो ये 2 फरवरी नहीं होता, ये होता है 4 फरवरी, ठीक है। और मलेरिया दिवस भी 22 अप्रैल ना होकर के 25 अप्रैल होता है, ठीक है, 25 अप्रैल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित है? देखिए, मदर टेरेसा है जो, उनको भारत रत्न भी मिला है और आपका नोबेल भी मिला है, ठीक है। और एस चंद्रशेखर है, इनको नोबेल मिला है, भारत रत्न नहीं मिला, इनको भी नोबेल मिला है वेंकटरमन रामकृष्णन को, और भारत रत्न नहीं मिला, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, सही है। और रेमन मैक्सेसे प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे, और पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो है मदर टेरेसा, ठीक, सी आंसर, दोनों सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तकों में से कौन सही सुमेल है? देखिए, अमीश त्रिपाठी की बुक का नाम है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, सलमान रुश्दी की बुक का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सलमान रुश्दी की नहीं है, ये है नेल्सन मंडेला की, नेल्सन मंडेला, ठीक है। और अरुंधति राय की बुक का नाम क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये वाला सही है, 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है? देखिए, रासलीला, कजरी, कठपुतली नाच और पाई डंडा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कठपुतली नाच है, ये जो है ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, बाकी सब है जो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित वादकों में से किसका संबंध सितार से संबंधित है? ठीक है, अनुष्का शंकर है जो, वो किस सितार वादक है, ठीक, सही है। और उसके बाद तरुण भट्टाचार्य हैं जो, ये आपके, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये संतूर वादक है, ठीक है। और शाहिद परवेज है जो, ये भी सितार वादक है। तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो कच्ची घोड़ी और 13 ताली हैं जो, ये आपके राजस्थान से संबंधित है। चरकुला मयूर नृत्य है जो, ये आपका यूपी से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? होलोकॉस्ट शब्द मुख्य रूप से जर्मनी देश के साथ जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का मतलब क्या है कि जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न माध्यमों से यहूदियों का नरसंहार जो किया गया था उसको क्या कहा जाता है? होलोकॉस्ट, ठीक, सही है दोनों स्टेटमेंट। अगला तीसरा देखते हैं, इस युद्ध के दौरान नाजियों ने लाखों यहूदियों की हत्या की थी, ठीक है, तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, राइटर्स बिल्डिंग है जो, वो भारत के महाराष्ट्र सरकार का सचिवालय भवन है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, ठीक है। और इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों के कार्यालय के लिए किया गया था, तो ये वाला सही है स्टेटमेंट, ठीक, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, जिसको 1950 में अपनाया गया, सही है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। और आम में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बी नहीं, विटामिन ए एंड विटामिन सी है जो वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी है जो वो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए एंड सी, यानी कि थर्ड गलत, 1 और 2 इज करेक्ट, ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र माह से प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये कहाँ का आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन का, ठीक। तो गलत हो गया ये, क्योंकि ये दूरदर्शन का नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो का, ठीक है। और 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण किया गया है, ठीक है, ये वाला सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की पुलिस अपने आदर्श वाक्य के साथ सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, उड़ीसा की वी सर्व एंड प्रोटेक्ट,
उसके बाद राजस्थान सरकार की सेवार्थ कटिबद्धता मतलब कमिटमेंट टू सर्विस, और हरियाणा पुलिस की आपकी सेवा सुरक्षा सहयोग, ठीक है, सर्विस सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी सही है। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटने वाला जंतु है जो कौन सा है, अफ्रीकी बिच्छू, ये गलत है क्योंकि वो है पनामा का दीमक, ठीक है। और दूसरा देखिए, अफ्रीकी बिच्छू का वैज्ञानिक नाम टर्मिस पनामेंसिस है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये पनामा का जो दीमक है इसी का नाम है टर्मिस पनामेंसिस, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, अमर सुनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है जिसकी जो फर्स्ट 10 पंक्तियां हैं वो बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया, ठीक है, और इस कविता के लिए टैगोर को नोबल पुरस्कार मिला, ये गलत है, नोबल पुरस्कार उनको गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है, तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। अगला देखें, निम्नलिखित चावल की किस्मों को उनके GI टैग के जो क्षेत्र हैं वहां से आपको मिलान करना है, तो नवारा चावल केरला, काला नमक चावल उत्तर प्रदेश, गोविंद भोग चावल पश्चिम बंगाल और बासमती चावल उत्तराखंड, ठीक है, तो ये सभी सही है, आंसर हो जाएगा ए। आपको कमेंट्स में बताना है जो काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का है वो उत्तर प्रदेश के किस रीजन में आपको GI टैग दिया गया है, ठीक है, आंसर है इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से क्या गांधीवाद दर्शन में आता है, सत्य आता है, अहिंसा आता है, ब्रह्मचर्य आता है और सत्याग्रह भी आता है, चारों ही गांधीवाद के दर्शन है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, पंचशील समझौता 1954 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री क्या ने कौन है चाउ एन लाई इनके बीच में हुआ था, ठीक है, और वास्तव में पंचशील शब्द कहां से लिया गया है, जैन अभिलेखों से नहीं बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, ठीक है, बौद्ध अभिलेखों से, ये वाला गलत, पहला वाला सही, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, वैलेंटीना टेरेस्कोवा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने 1963 में, नाम याद रखिएगा, वोस्टोक 6 नामक यान से में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी, ठीक है, और इन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए थे, कुल 3 दिन बिताए थे, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, MTCR की स्थापना मतलब मिसाइल कंट्रोल, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ठीक है, उसकी जो स्थापना है वो 1987 में हुई थी और G7 देशों के द्वारा हुई थी, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के विस्तार को रोकना है इसकी इसका उद्देश्य, और 2016 में हम भारत भी इसका सदस्य बन गया और अभी कितने हैं टोटल 35 सदस्य हैं इसमें, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, सारे सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही समय लेता है, देखिए सांख्यिकी की जनक किसको कहा जाता है, RA फिशर को कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और विद्युत के जनक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, तीनों सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पहाड़ी जिलों में जो वनावरण है वो कितना है, 40.30% है और वर्तमान आकलन देश के 140 पहाड़ी जिलों में 544 वर्ग किलोमीटर जो कि 0.19% की वृद्धि दर्शाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, दोनों यहां पर सही स्टेटमेंट। अगला देखिए, जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है उससे संबंधित कथन है, मैंग्रोव कवर में 1.10% की वृद्धि देखी गई, सही स्टेटमेंट है, वेटलैंड रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का, वेटलैंड्स है जो वो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का कितना कवर करते हैं, 3.83%, ये भी सही हो गया, और मृदा कार्बनिक कार्बन कुल वन कार्बन स्टॉक का 56% योगदान है, ठीक है, तीनों याद रखिएगा, फैक्चुअल्स है, ठीक है, इस मिसलिनियस में बहुत ज्यादा फैक्चुअल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे याद रखिएगा, हो सके तो दो बार वीडियो को देख करके इसको सारा रिवाइज जरूर कर ले, आंसर है डी। अगला देखें, निम्नलिखित का मिलान कर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार हो गया, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप हो गया, और उच्चतम लिंगानुपात सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है, केरल में है, ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात कहां है, हरियाणा में है, ठीक है, आप कमेंट्स में आपको क्या बताना है, इनके टॉप 3 सबके बताने हैं आपको, ठीक है, सबसे जनघनत्व के टॉप 3 कौन है, सबसे कम में टॉप 3 कौन है, ठीक है, और लिंगानुपात में और सबसे कम लिंगानुपात में, मतलब जो मिनिमम वाले 3 मैक्सिमम वाले 3, ठीक है, तीन सब सारे बताइए, या ना भी बताइए तो याद कर लीजिए इनको एक बार, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, CM चंद्रमौली 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त थे, ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार
मध्य प्रदेश राज्य में भारत में बाघों की सबसे अधिक आबादी है। कितनी है बाघों की आबादी मध्य प्रदेश में? 526। ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तेलुगु है जो, 2011 के अनुसार ठीक है, तेलुगु है जो भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली है। दूसरी है कौन सी? आपकी बंगाली, ठीक है, ना कि तेलुगु, गलत हो गया। और हरियाणा में भारत में सबसे कम लिंगानुपात है, जहां पर 1000 पुरुषों में कितने? 877 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा है जो वो सबसे अधिक शहरीकृत राज्य, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, जिसकी 62.17% आबादी है जो शहरी क्षेत्र में रहती है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 31.1 शहरी जनसंख्या के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, अर्बनाइजेशन कितना है? 31.165%। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी आंसर हो जाएगा। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।